प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स में टीजी बाई शक्ति चटर्जी। टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स। इट इज अ मेंटल मैथ। एक क्वेश्चन जो है क्लास 7-8 का हर बोर्ड में है, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो, खैर जो भी हो, आपको हम यहाँ क्वेश्चन दिया है कि एल ए में चार ठो एक ही वर्ड एक ही अल्फाबेट है और उसका रिजल्ट भी चार अंक पे है, मतलब यहाँ भी चार अंक है, यहाँ भी चार अंक है। इसमें क्वेश्चन देकर लिखा फाइंड दी वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, तो मैंने यहाँ के एल एम एन पी एस छह ठो अल्फाबेट है जिसमें कोई आपका दूसरा कुछ ट्रिक्स नहीं है एक्सेप्ट के एन, ये दोनों ट्रिक्स है। आपको देखना होगा यहाँ 4 × n इक्वल टू के, तो 4 यदि एन यदि हम 1 पकड़ेंगे तो के होगा 4 और के 4 मतलब ए वाला 16, एस इक्वल टू 16 जो विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज एस इज सिंगल डिजिट नंबर, मैक्सिमम एस इक्वल टू 9 हो सकता है। तो ऐसा करके यदि हम एन को हम 8 पकड़े, सपोज एन इक्वल टू 8, तो देखिए एन इक्वल टू 8 होने से क्या होता है के के इक्वल टू 4n इक्वल टू 4 × 8 इक्वल टू 32। नाउ के इक्वल टू 2 एंड के इक्वल टू जब 2 होगा 4 × k एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k+1, मान लिया जाए यहां से एक कैरी है तो एस इक्वल टू 9 होगा। तो यहां पर एस इक्वल टू 9 इज द फर्स्ट, के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 8, ए वाला अभी तक मैच किया हुआ है। अब फिर देखना होगा यहां पर 4l प्लस कितना देने से n बनेगा, एन इक्वल टू 2, 4k, 4l, तो 4 × 4 कितना होता है 16, 16 + 2 = 18, 18 मतलब 8, 8 आ गया, n मैच कर गया हमारा। आप दूसरा कुछ भी पकड़ लीजिए, अगर 5 पकड़िएगा, ओके 5 × 4 इक्वल टू कितना होगा 22 कैरी रहेगा, तो 22, तो आप तो पहले 2 पकड़ लिए के, इसीलिए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, एल इक्वल टू 4। फिर से सुनिए, यहां से अगर 2 अगर कैरी रहेगा, कुछ भी कैरी रहेगा, मगर ए वाला जब है इसको अगर हम 4 पकड़ेंगे, 4 × 4 = 16 और +2 = 18, तो n इक्वल टू 8 मैच कर गया, तो k l इक्वल टू 4 हो गया। ये चीज को यहां n देखिए, m में आपको क्या करना है, m 4m + 3 इक्वल टू p। अब 4m को हम क्या पकड़ सकते हैं, 4 × अगर 6 पकड़े, अगर 6 आप बोलिए 8 भी पकड़ सकते हो, ओके 8 पकड़िएगा जरूर, 4 × 8 कितना हो जाएगा 4 × 32, 4 × 8 पकड़ नहीं सकते क्योंकि 8 आप पकड़ लिया ऑलरेडी, 7, 4 × 7 क्या हो जाएगा 28 + 3 = 31, p इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। हाथ में कितना रहेगा 3, 31 में कितना रहेगा 3, तो 3 4 × 4l मतलब अगर इसको 4 पकड़े हैं या कुछ भी है 8 होना होगा, मतलब 4l मिला के 5, इम्पॉसिबल। तो ये चीज है, तो p इक्वल टू 6 कितना हो गया 24, 24 प्लस 3 इक्वल टू 27, सो दिस p इक्वल टू 7 ऑटोमेटिकली, m इक्वल टू कितना हो गया 6, दिस इज द आंसर। प्यारे बच्चों, देखे हैं आप हम कैसे करके गाइडलाइन फॉलो करके किए हैं। यदि आपको अच्छा लगे आप अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।